चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं हमारा पहला यूट्यूब चैनल आप लोगों के साथ में इस पूरे कोर्स के अंदर। तो आज जो है हम देखेंगे कि आपको एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो कितना टाइम लगता है कि यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के लिए। और इस पूरे कोर्स के साथ में बने रहें ताकि आपको जो है पूरा इन एंड आउट जो है एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल जो है वो कैसे रन किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे मोनेटाइज किया जाता है, तो आपको पूरा नॉलेज जो है वन बाय वन करके इन वीडियोस के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। सो गाइज, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइज, आज जो है मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाने वाला हूं कि यूट्यूब चैनल को कैसे क्रिएट करा जाता है। लेकिन अभी क्रिएट ऐसे बातों से तो हो नहीं सकता, उसके लिए हमें चाहिए होगा कंप्यूटर। और डेफिनेटली अभी मैं आपको जो है सीधा लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के हम जो है देखते हैं कि कैसे चैनल को जो है वो क्रिएट करना होता है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी यहाँ पर जो है ये हमारे सामने एक youtube.com हमने ओपन करके रखा है और इस पे चैनल कैसे क्रिएट करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि इसको चैनल को क्रिएट करने के लिए आपको बस एक ही चीज की जरूरत होती है, और दैट टू हैव योर जीमेल अकाउंट, जो कि आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे साइन इन का बटन है, बट कोई भी चैनल जो है यहाँ पे या कोई भी ईमेल आईडी से हम लॉग इन नहीं है, तो हम पहले यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है एक डिफरेंट देखने को मिलेगा इंटरफेस। तो यू कैन सी मेरे पास में ऑलरेडी एक ईमेल आईडी था जिससे इसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं उससे लॉग इन हूं इसलिए यहाँ पे जो है मुझे ये ऑटोमेटिकली लॉग इन कर गया। यू कैन सी यहाँ पे ये लॉग इन कर गया, मैं इस नाम से जो है चैनल क्रिएट करने वाला हूं। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल जो है वो क्रिएट करना है। अब ये लॉग इन हो गए हम, अब यहां पे लिखा हुआ है क्रिएट अ चैनल, क्रिएट अ चैनल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपसे पूरा डिटेल मांगेगा कि नाम क्या देने वाले, और ये होता है इसका हैंडल। हैंडल यानी कि आपका एक यूनिक यूआरएल बन जाता है फ्रॉम द डे वन। तो आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं इसका जो नाम है दैट इज एम जोध, राइट, एम जोध जोध लॉ फर्म, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा आना चाहिए तो यू कैन सी ये आ चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको मेरा हैंडल बन गया और ये टिक लग गया, इसका मतलब कि ये हैंडल अभी अवेलेबल है, किसी ने भी इस नाम से यूआरएल नहीं बना रखा या इस नाम से चैनल जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे क्रिएट चैनल पे हम क्लिक करेंगे, जस्ट अ मिनट। तो यू कैन सी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है चैनल क्रिएट करने का। तो अभी जो है राइट, यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ गया योर चैनल इज बीइंग क्रिएटेड, चेक बैक इन फ्यू मिनट्स। तो आपका जो चैनल है वो बन चुका है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे वापस होम पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में वापस यहाँ पे क्लिक करके अब आप देखते हो जहां पे पहले लिख के आ रहा था क्रिएट योर चैनल, अब वो नहीं लिख के आ रहा है। अब क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, योर चैनल, राइट। अब योर चैनल पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका चैनल दिखाई देगा। यू कैन सी ये हमारा हैंडल आ गया और ए एम जोध लॉ फर्म जो है यहाँ पे चैनल बन चुका है। आप जो भी बनाना चाहते हैं, जैसा भी बनाना चाहते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं यहां से। बहुत है सिंपल क्रिएट करना। अब जो है हम यहाँ पे चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने वीडियोस मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम वो यहां से नहीं करते हैं, राइट। तो हम कहां से करते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैन यू सी यहाँ पे हमारे पास है यूट्यूब स्टूडियो। तो YouTube स्टूडियो के अंदर जाके जो भी हमने करना होता है वो हम करते हैं। तो चलिए एक बार YouTube स्टूडियो को मैं आपको दिखाता हूं। यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू YouTube स्टूडियो, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये अभी हमारा ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यू कैन सी ये हमें बहुत सारी चीजें गाइड कर रहा है, बट डोंट वरी, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। यू कैन सी लाइक डैशबोर्ड है, कॉन्टेंट है, एनालिटिकल है, कमेंट्स है, सब टाइटल्स है, कॉपी राइट है, राइट, फिर आपका अर्निंग भी है, राइट, कस्टमाइजेशन है, ऑडियो लाइब्रेरी है, सेटिंग्स है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो हम अपने हिसाब से यूज करेंगे और आने वाले वीडियोस के अंदर डेफिनेटली ये सारी जो टैब्स यहाँ पे दिख रहे हैं इनको हम यूज करके देखेंगे। वीडियो कैसे अपलोड होती है, कैसे यहाँ पे एनालिटिकल्स हमारे लिए काम करते हैं, कैसे हम आगे का फर्दर जो प्रोसेस है वो हम पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप, अभी इसका ये सिर्फ चैनल क्रिएट हुआ है, अब इसके बाद पहला काम जो होता है इसके बाद आपका, दैट इज टू क्रिएट अ प्रॉपर ब्रांडिंग।
राइट। प्रॉपर ब्रांडिंग कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, डेफिनेटली हम करेंगे कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप कि आपको जो है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि कैसे इजीली आप कुछ ही स्टेप्स के अंदर अपना यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इसी चैनल के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे सो दैट कि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज जो है वो इसका हो सके। सो मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस तरह के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिल पाए। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।